गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले कल हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन किए थे। जो बाकी क्वेश्चन बचते हैं वो भी एज इट इज होंगे, तो इनमें से हम आज कोई 2 पार्ट करेंगे और जो बाकी जो बचते हैं वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। जैसे कि 4th पार्ट है -49/49। अब 49 को -49 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। वैसे ही 5th पार्ट है 13/(-2+1), इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, -2+1=-1, -1 को 13 से डिवाइड करेंगे, दैट इज इक्वल टू -31। अब जो दूसरे 2 पार्ट बचते हैं वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वेरीफाई दैट a/(b+c) डज नॉट इक्वल टू a/(b+a/c) फॉर वैल्यू ऑफ a=12, b=-4, and c=2। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, हमने फर्स्ट पार्ट के लिए जो वैल्यू है हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। तो मुझे उसमें क्या करना है, हमारे पास वैल्यू दी है, हमने इसमें डालनी है वैल्यू। ए क्या है, 12/(b+c), बी की वैल्यू कितनी है -4, सी कितना है +2। पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, देन अगेन राइट हैंड साइड, ठीक है। 12 ब्रैकेट ओपन करेंगे -4 + 2 कितना होता है -2, तो -2 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -6। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना आया, -6। अब करेंगे राइट हैंड साइड, में क्या है, a/(b+a-c), तो a की वैल्यू कितनी है 12/(b), कितना है -4 + a/(c), a 12/c, c means 2। -4 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा -3, प्लस 2 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6। तो अब 6 बड़ा है और 3 छोटा है, तो साइन किसके साथ है, -3 है, तो 6 से -3 गया, कितने बचे 3। इट मींस कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। हमारे पास इसके कितना आया था, -6 आया था लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में कितना आया 3। सो इट मींस लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। थैंक यू।